हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग बस्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस सेशन और आज के सेशन हम बात करने वाले हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। कैसे हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी उसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन को देखने के बाद आपको कहीं से भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल इनफ रहेगा आपके लिए। आज के सेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में हम बात करेंगे अबाउट द थ्योरी वर्क और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे टॉपिक से आपके लिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। करने लगे यहाँ पर तो पहले टाइम में जो बैंकिंग होती थी वो कैसे होती थी, मैनुअली होती थी, और अभी वाली जो बैंकिंग होती है वो कैसे होती है, डिजिटली बैंकिंग होती है। अच्छा, बात तो ये है ना कि हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी। आप देखोगे, आपने काफ़ी मूवीज में देखा होगा कि पुराने जमाने में किसी भी चीज़ का जो लेन देन होता था वो किसके थ्रू होता था, कॉइन्स के थ्रू होता था। और वो कॉइन्स कैसे होते थे, वो कॉइन्स से या तो गोल्ड के कॉइन्स होते थे या फिर सिल्वर कॉइन्स होते थे एंड कॉपर कॉइन्स होते थे। तो इनके थ्रू ही लेन देन होता रहा था जब तक हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल नहीं आया था, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। लेकिन जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। और टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर लाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर करेंसी लानी पड़ेगी ताकि लोगों से उसी करेंसी में टैक्स वसूला जाए। ठीक है, तो ये कब की बात है, अंग्रेजों के ज़माने की बात है जब हमारे बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था। ये वही बैंकिंग सिस्टम है जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले जो बैंक बनाया वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब एस्टेब्लिश किया गया था, इट वॉज इन 1770 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसके अंडर था, ब्रिटिश रूल के अंडर ये बैंक बनाया गया था। किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला बैंक जो एस्टेब्लिश किया गया था वो कौन सा था, तो इट वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखो क्या हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को क्लोज करना पड़ा 1832 में, एंड द रीजन वॉज इट वॉज लिक्विडेटेड। अब लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है, पास कोई भी मनी ना बचे तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड हो गया। अब देखो, जब भाई बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो बैंक ऑपरेट कैसे करेगा, तो एट लास्ट क्या करना पड़ेगा, या तो बैंक को मर्ज करना पड़ेगा या फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में क्लोज करना पड़ेगा। अब मर्ज तो होता किसके साथ, क्योंकि उस टाइम में कोई बैंक नहीं थे, तो इसको क्या करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। सो इट वॉज अ फेलियर, ये बैंक क्या रहा, एक फेलियर रहा था। इसी के बाद में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में बना, तो उसके बाद में दो बैंक्स और बनाए गए थे, जिनमें से एक जो बैंक था वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1786, एंड द सेकेंड वन वॉज अवध कमर्शियल बैंक। ये आपने काफ़ी नाम सुन रखा होगा। हमारे इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था, अवध कमर्शियल बैंक था। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1881। लास्ट ईयर आपके जो पेपर्स आए हैं उनमें काफ़ी बार पूछा गया है अवध कमर्शियल बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था, सो इट वॉज इन द 1881। दोनों ही बैंक जो हैं वो अगेन क्या रहे, फेल रहे, अनसक्सेसफुल रहे। दोनों ही बैंक्स को क्या करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा। सारी जो बात है वो कब की है, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, 1947 से पहले की बात है, प्री इंडिपेंडेंस की बात है। उस टाइम में हमारे इंडिया में तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती जिनके तीन डिफरेंट बैंक्स थे। आप ये देखेंगे, ये जो इमेज है वो है हमारा बैंक ऑफ बंगाल, दिस वन वाज बैंक ऑफ बॉम्बे, और ये जो आपका है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा बैंक ऑफ मद्रास है। तो तीनों बैंक अलग अलग थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिश कब किए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश किया गया था 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1843। तीनों बैंक्स जो थे वो तीन डिफरेंट प्रेजिडेंसी ने बनाए थे, तो यानी कि कब बनाए गए थे, ड्यूरिंग द प्रेजिडेंसी रूल, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रूल के दौरान इनको बनाया गया था। इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके एक बैंक बाद में बनाया गया जिसका नाम क्या था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों को ही मर्ज कर दिया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया इन 1921। अब इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आज क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इम्पीरियल बैंक को बाद में क्या बोला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। यानी देखो, इम्पीरियल बैंक का जब नेशनलाइजेशन हो गया था तो वो बन गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट वॉज इन 1955। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके लिए है। आपसे पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, कब एस्टेब्लिश हुआ, सो स्टूडेंट्स इट वॉज इन 1955। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन सकता है, इंडिया का सबसे पुराना बैंक जो अभी भी ऑपरेशनल है
वो बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया का सबसे पुराना बैंक है जो अभी भी काम कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसी हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई। देखो फ्रेंड्स, दो बैंक हुआ करते थे उस टाइम में। एक तो हमारा होता था सेंट्रल बैंक, और जो दूसरा बैंक था वो क्या हो गया था, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था, या फिर हम बोलेंगे इंपीरियल बैंक हुआ करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था अंडर द हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन को और क्या बुलाया जाता है, रॉयल कमीशन भी बुलाया जाता है इसको। हिल्टन यंग कमीशन आया था 1926 में, जिसने सजेशन दिया कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपसे पूछा जाए कि कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इट वाज इन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। बट लेटर ऑन इसको नेशनलाइज किया गया, यानी इंडिपेंडेंस के बाद में ये क्या आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। और ये कब हुआ, 1949 में हुआ था। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। ओसबोर्न स्मिथ जो थे वो हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। सेकेंड थिंग आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन रहे थे। अगर आपसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछा जाए तो उनका नाम क्या था स्टूडेंट्स, नाम था सी डी देशमुख। क्लियर है दो पॉइंट्स। उस टाइम पे बैंक्स का जनरली काम जो होता था वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं था, किसके लिए था, कमर्शियल पर्पसेस के लिए था, या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते थे उन्हीं के लिए था। बैंक्स किसको मनी देते थे, अपना, इन सबको मनी देते थे। लेकिन क्या होता था, जो हमारे गरीब लोग हैं वो पीछे रह जाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए बाद में हमारे रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए, जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं। ग्रामीण बैंक क्यों बनाए गए थे, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भी क्या की जाए, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, उनको भी मदद प्रोवाइड की जाए, ताकि जब उनको पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक से वो पैसा ले पाएँ। इसलिए हमारे ग्रामीण बैंक्स बनाए गए थे। बाद में जाके काफ़ी इनिशिएटिव्स आए थे, जो हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर आपका बनाया गया था ताकि इन गरीब लोगों को पैसा दिया जाए। इसी के साथ में कुछ और बैंक्स भी बनाए गए। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब नेशनलाइजेशन हो गया था 1949 में, कुछ बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था, जिनमें से एक है अलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अभी आप देखोगे इस टाइम में ऑलरेडी अलाहाबाद बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, इन सबका मर्जर हो चुका है। बचे क्या हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक बचे हुए हैं जिनका मर्जर नहीं हुआ है। सो ये इंडिया की पहचान माने जाते हैं, ये इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि कौन से ऐसे बैंक था जो टोटली इंडियन ऑपरेट कर रहे थे, जिसको विच वॉज फुली ऑपरेटेड बाय इंडियंस, वॉज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक था जो फुली इंडियंस के द्वारा ऑपरेट किया गया था। 1969 में क्या हुआ था, हमारे 14 कमर्शियल बैंक जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। लेटर ऑन 1980 में हमारे बचे हुए जो 6 और बैंक थे उनको भी नेशनलाइज किया गया। तो एक क्वेश्चन बनता है जनरली कि 1969 में कितने कमर्शियल बैंक्स को मर्ज किया गया था, दे वर 14 कमर्शियल बैंक जिनको मर्ज किया गया। साथ में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स जो थे उनको किस कमेटी के अंडर बनाया गया था। सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द नरसिम्हम कमेटी। नरसिम्हम कमेटी ने सजेशन दिया था कि पुअर लोगों की हेल्प करने के लिए, वीकर सेक्शन को हेल्प करने के लिए हमें रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो बनाने चाहिए। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स के RRBs के बाद में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाबार्ड का, एग्जिम बैंक का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए था, नाबार्ड बैंक हमारा एग्रीकल्चर के लिए था, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारा एग्जिम बैंक था। इसके बाद में नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया और आपका सिड भी बनाया गया था। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी के साथ में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की पहली करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी। सो इट वॉज एस्टेब्लिश इन द नासिक। नासिक में एस्टेब्लिश की गई थी 1928 में। देखो ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। उसके बाद में आगे थे हमारे प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स भी अगेन नरसिम्हम कमेटी ने ये सजेशन दिया था कि क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट बैंक्स को भी एक मौका दे। तो 1991 में ये सजेशन दिया गया था। और यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स जो आए थे वो ICICI बैंक था, HDFC बैंक था, एक्सिस बैंक आए, लेटर ऑन कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक ने भी ज्वाइन किया था 2001 एंड 2004 में। मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आज का सेशन अगर आपने ध्यान से देखा है तो इन क्वेश्चंस का आप बिल्कुल इजीली आंसर कर पाएंगे।
विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया? मैंने आपको बताया था पहला बैंक जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था वो क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। और ये एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1770 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसको क्लोज कर दिया गया था क्योंकि इसके पास पैसा नहीं बचा था 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस, जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, सबसे पुराना बैंक। देखो पुराने बैंक्स तो अभी तो RBI भी है, PNB भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, लेकिन सबसे पहले कौन एस्टेब्लिश किया गया था अगर हम बात करें, देखो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल बैंक हो गया, तो RBI की बात नहीं करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है जिसको पुराना बैंक और जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि ये बना किससे था, बैंक ऑफ मद्रास से बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे से बना था एंड बंगाल के मर्जर से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, सो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के अंडर बनाया गया था। सो RBI को बनाया गया था एक्ट नंबर 1934 के अंडर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। हिल्टन यंग कमीशन के अंडर बनाया गया था फर्स्ट थिंग। एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1935 में किया गया था। नेशनलाइजेशन कब हुआ था जाकर, 1949 में हुआ था। एक्ट कौन सा था, 1934 एक्ट था। RBI को एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन जुलाई 1969? देखिए ये हमारा पहला नेशनलाइजेशन था और इसमें नेशनलाइज किए गए थे 14 कमर्शियल बैंक्स। इंडियन बैंक टू ओपन ओवरसीज ब्रांच, इंडिया से बाहर अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला इंडियन जो बैंक था वो कौन सा था, बैंक ऑफ इंडिया था। ओके सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बैंक ऑफ इंडिया का किसी को टैगलाइन पता है क्या, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और आप मुझे बताएंगे हु इज़ द MD एंड द CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा सेशन, आई होप सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही कुछ चीज़ें थी आपको जो बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए थी। क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रही हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATMs इन इंडिया, इंडिया में ATMs इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक कौन सा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आई विल पर्सनली चेक कि किसने राइट आंसर दिया है। जो भी अच्छे से आंसर करेगा उसका आंसर हम आने हमारी नेक्स्ट क्लास में जरूर इंक्लूड करेंगे।